अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और मैं जा रही हूँ जी फिर मार्केट आज, और थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। और ये जो लास्ट ब्लॉग में अगर आपने देखा हो ना, तो उसमें ये मैंने लिया था एथनिक से, डिस्काउंट में लिया था। और आज मैंने ये वाला कुर्ता पहना और ये बहुत ज़्यादा अच्छा, और ये मीडियम साइज़ है और मतलब ढीला ढाला है, काफ़ी अच्छा है और कपड़ा बहुत अच्छा है। और बस यहाँ जी हम मार्केट पहुँच गए थे। सबसे पहले हम आ गए थे मेट्रो, और यहाँ पर न्यू सबसे पहले जी मेट्रो पे आए और मेट्रो शूज़ पे, और यहाँ पे सारी ये जो है ना न्यू विंटर कलेक्शन है, तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाते हैं। काफ़ी अच्छे आए हुए हैं और 3000-4000 के अराउंड ही इनकी प्राइजेज हैं सबकी। और ये काफ़ी अच्छे पम्प्स लगे हुए हैं, तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, और आप लोगों ने भी पम्प्स लेने हैं तो जाके फटाफट ले लें, फिर जिस साइज़ का मसला हो जाता है फिर साइज़ ही नहीं मिलते। अच्छा, तो बस यहाँ से हमने एक जूता पसंद किया, तो वो आई थिंक मैंने क्लिप नहीं बनाया, तो वो जूता लिया। और उसके बाद फिर एक बैग देखना था, वो बैग हमने देखा। अच्छा, आजकल तो बैग्स भी इतने एक्सपेंसिव हो गए ना कि मतलब 4-5 हज़ार कहीं भी नहीं गए एक मामूली से बैग पर, ठीक है। और ये हमें थोड़ा सा टोट बैग टाइप चाहिए था, और ये वाले जो सामने पड़े ना वो वाइट बेज कलर के अच्छे लग रहे थे, बट इनकी प्राइस थी 5000 समथिंग। मतलब प्राइस एक अलग है, बट इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छी थी, साइज़ भी बहुत अच्छा था, बट ये था इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड था, ठीक है, सॉफ्ट नहीं था। और ये होता है ना कि थोड़ा सा सॉफ्ट होता है बैग, तो उसको में ना काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, हार्ड जो ना अकड़ा हुआ ही रहता है। तो फिर हमने ऑप्शन के तौर पे छोड़ दिया था, कहीं और चेकआउट कर लेते हैं ये वाले जो बैग हैं, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे लुक वाइज, लेकिन इनका मटेरियल मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर हमने कहा कहीं और से देखते हैं, नहीं मिलेंगे तो फिर इसी को ही ले जाएंगे। बट फिर हमने बैग वैसे कोई लिया ही नहीं था, क्योंकि कहीं और से मिला नहीं था, और फिर दोबारा हम इस पर आए ही नहीं थे। और यहाँ जी जूते की पेमेंट करेंगे, और यहाँ से फिर जाएंगे किसी और मतलब शॉप पे। तो हम गए थे ECS पे भी गए हैं, स्टाइलो पे भी गए हैं, बट कुछ अच्छा नहीं लगा। और स्टाइलो पे तो हम 2-3 दिन पहले भी हो आए थे, वही डिज़ाइन थे सेम। और यहाँ जी क्लाइव पे आ गए थे, और यहाँ काफ़ी अच्छे थे बट काफ़ी प्राइसी थे, मतलब 5000-6000 के मतलब समथिंग इस तरह जोड़े जूते थे। और ये जो है ना इसमें स्किन और बेज कलर का, ये इतना कंफर्टेबल तो मैं बता नहीं सकती हूँ। ये 4500-5000 का जूता था, ठीक है, जिस पे बो बना हुआ है, बहुत कंफर्टेबल था। और ये जो साथ मतलब चेक वाला पड़ा हुआ ब्लैक एंड वाइट, और ये जो वाइट और स्किन वाला एक ये, और ये 6500 का था। ये दोनों ही जूते लिए थे मेरी सिस्टर ने, इसलिए मैंने कहा चले आपको इधर ही दिखा देती हूँ। अब घर जाके क्या दिखाऊंगी, फिर तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और मैं इतनी कम करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी जाहिर है सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी दिखाती हूँ, काफ़ी लंबी होती है। और ये दो जूते लिए हमने, एक 6500 का था और एक आई थिंक 4500 का था। तो बस ये इसका हम बिल देंगे, और फिर हम जी यहाँ आ गए थे। और यहाँ से मामा को कुछ अनस्टिच में देखना था, जैसे मिड सीज़न है इस टाइप का कुछ, और मुझे भी अपनी एक फ्रेंड है, मेरी क्लाइंट है, उनके लिए कपड़े मैं लेने होते हैं और स्टिच करवा के उनको भेजने होते हैं UK, तो उनके लिए भी कुछ देखना था। मतलब इसको स्लीलन टाइप कुछ, ये जो मिड समर में कुछ पहना जाए, ठीक है, क्योंकि अभी खद्दर तो नहीं पहनी जानी, नवंबर तक नहीं, नाम और निशान नहीं होना खद्दर का, दिसंबर में जाके जो पहनी जानी है, और फिर आगे जो है ना फरवरी मार्च में भी इस किस्म का जो है ना कपड़ा ही चलता है। और यहाँ सारे कलमकार नूरे हो गए, और जी क्रॉस स्टिच हो गया, सारे जो ना क्रिसमस सारे ब्रांड यहाँ पे लगे हुए थे। और यहाँ सारा लूज कपड़ा था, फैब्रिक जो होता है मरीना कॉटन सॉटन और लीलन टाइप का, कि वैसे घर में कैजुअल पहनने के लिए जो सेम प्रिंट होता है, तो लेकिन यहाँ से हमें कुछ अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि कॉटन साटन का ज़्यादा था और बहुत बड़े बड़े प्रिंट थे, जैसे बेडशीट टाइप होते हैं ना, तो बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद फिर सेक्शन में था ये जो होते हैं ना ग्रिप के सूट होते हैं 2 पीस, या फिर रॉ सिल्क हो गया और शमोस टाइप का, और ये ब्रोशिया दुपट्टा मतलब प्योर का और सिल्क की कमीज इस किस्म के सूट थे। और ये 5-6 साल पहले 5000-5500 तक 2 पीस आता था, बट अब ये 10000-8000 इस रेंज में आ रहे हैं, और इनके लिए फिर ट्राउज़र अलग से लेने पड़ते हैं। तो यहाँ से फिर हमने 2 सूट लिए हैं, जो मैंने यहाँ नहीं दिखाए, वो मैं घर जाके दिखा दूँगी। और मतलब काफ़ी अच्छे प्रिंट थे इनके पास, अब इनके ब्रांड तो नहीं होते, जो मैं आपको बताऊं कि फ़लाँ ब्रांड था, तो इस तरह ही होता है। तो यहाँ जी फिर हमें थोड़ी बहुत भूख लग गई, और हमने कहा थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट करते हैं। और यहाँ जी दही बड़े मंगवाए, आज गोलगप्पे नहीं मंगवाए, क्योंकि पिछले दिनों मेरा इतना बुरा गला ख़राब हुआ था, गला तो शायद इससे भी ख़राब हो जाता, बट दिल नहीं कर रहा था ना इतना कुछ मतलब गोलगप्पे टाइप खाने का, तो बस ये दही बड़े ही समझ में आया और यही मंगवा लिया। और शवारमा मेरी जो है ना सिस्टर, उसने मंगवाया था, तो उसने फिर मुझे हाफ़ दे दिया, बट मुझे दोनों चीज़ों का टेस्ट कोई इतना ख़ास नहीं लगा इस दफ़ा, पता नहीं क्यों। और उसके बाद जी मौसमी का जूस पिया, और उसके बाद थोड़ा बहुत हमारा काम रह गया था वो करेंगे, उसके बाद कितनी जगह में घर जाना है। बस उसके बाद हम खाड़ी पे आ गए, और खाड़ी पे न्यू कलेक्शन आ गई थी विंटर की, तो इसमें से ये वाला जो है ना येलो के नीचे वाला प्लम सा कलर, जामनी सा कलर, ये वाला ड्रेस लिया था, ये येलो के नीचे, एक इसमें रेड था ऊपर है येलो के, और ये नीचे वाला लिया था, और ये 4000 के अंदर ही आया है 3 पीस।
और इस पर एम्ब्रॉयडरी नहीं है, प्रिंटेड है, बस यही अच्छा लगा था। और जो आजकल जो है ना, मैं 2 साल हो गया कि मैं स्टिच बहुत कम ले रही हूँ, इसलिए मुझे पसंद ही नहीं आते, तो मुझे प्रेट में ही चीज़ें पसंद आती हैं और मुझे सही लगते हैं वो। जब आपने पैसे तो लगाने हैं तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी खपने की। और मतलब जितनी मर्ज़ी, और सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं ना, कि आप बहुत ज़्यादा अगर डिज़ाइनिंग करवाते हो तो फिर आपका बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा प्राइसी बन जाता है सूट। और यहाँ जी हमने फिर ये सारे लॉन के लगे हुए हैं, जिन पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी था आई थिंक, लेकिन कोई भी नहीं लिया। हाँ, एक लॉन का लिया है, भूल जाती हूँ मैं। उसके बाद जी हम आ गए खाड़ी पेड पे, और यहाँ पे काफ़ी मतलब मिक्स है, लॉन भी पड़ी है, कैम्ब्रिक भी पड़ी है, और जी न्यू जो है ना अराइवल भी है। तो फिर मैंने जो है ना जो लिया है, मैं आपको यहाँ थोड़ा बहुत दिखा भी दूँगी। अच्छा, मेरे साथ ये सीन है, अगर मैं बहुत कम होता कि मैं ट्राई रूम में ट्राई करती हूँ, जब मैं करती हूँ ना तो मैं अपनी शर्ट के ऊपर ही पहन लेती हूँ। अजीब सा मुझे खौफ है कि ट्राई रूम में कैमरे शैमरे ना लगे हों, तो मैं उसके ऊपर ही पहन के आइडिया लगा लेती हूँ कि हाँ ये मुझे फिट है या फिट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद बहुत थक गई थी और सिस्टर भी अपने लिए देख रही थी, और ये जो मैंने ग्रीन कलर के लिए ना, कुछ वूल टाइप का है, और इसमें एक कलर और भी था, बट वो मुझे वो भी अच्छा लग रहा था, बट मेरा बेटा कह रहा था कि मामा वो तो ऐसे लग रहा है जैसे समर की कम्फर्टर नहीं होते, जैसे पंजाबी में हम खेस बोलते हैं उस टाइप का। चले, बट एनीवे हम घर आ गए थे, और फिर ये हमने ऑर्डर किया, इसमें जो है ना कुछ ब्रोस था, थोड़ा बहुत खाना, क्योंकि वहाँ सिर्फ दही बड़े खाए थे और कुछ भी नहीं आज खाया था, और कढ़ी पकौड़ा मंगवाया था, और बस ये खाना खाएंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये नेक्स्ट डे है, और आपको मैं अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, अपनी पहले दिखाती हूँ, उसके बाद में बाकी दिखाती हूँ डिटेल में। और मैंने अपने लिए तो ज़्यादा कुछ लिया नहीं है, और मुझे ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, तो पहले ही जो है ना मैंने इसका मतलब टॉप लिया, फिर मैंने कहा चलो ट्राउज़र भी ले लेते हैं। और ये कुछ ना वूल टाइप का या जैसे फ्लीस टाइप का कपड़ा होता है ना, कपड़ा नहीं मटीरियल होता है उस किस्म का, ठीक है। तो अगर इसको आप ना, ये जो ट्राउज़र मैंने ले लिया था, ट्राउज़र की प्राइस थी 2500, और मतलब ऑप्शन था अगर आपने लेना है तो ले लें, नहीं तो नहीं। इसमें एक दूसरा कलर था ब्लैक एंड वाइट में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट मेरे बेटे ने जब कहा ना कि मामा ये तो लग रहा है जैसे समर में वो खेस लेते हैं ना, उसका बना लिया, और फिर मैंने भी उसको छोड़ दिया, बट वो बहुत प्यारा था, और मुझे घर आके ना रहा गिल्ट्स आके मैं वो ले लेती। बट ये कलर का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ये भी कलर बहुत प्यारा लग रहा था जब मैंने ट्राई किया था, और मतलब बहुत प्यारा सा कलर है, सी ग्रीन, और उसके अंदर ये जो चेक का ना ये ग्रीन टाइप का है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसका राउंड नेक है और ये लॉन्ग है, मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। और ये टाइट्स के साथ ना, जो मैंने ब्लैक टाइट्स पहनी हुई थी उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और इसके साइड पे इस तरह के थे। मैं लास्ट ईयर भी इस तरह का ढूंढ रही थी कि विंटर में ना इस किस्म के पहनावा बहुत ज़्यादा लगता है, अच्छा लगता है, लॉन्ग हो, वूल का हो ये, और उसके ऊपर आपको जैकेट या कोट पहन लें तो बहुत प्यारा लगता है ना। और इसके स्लीव थे और राउंड नेक था। अच्छा, इन जो डिज़ाइनिंग में ना शॉर्ट भी हैं, कि शॉर्ट से भी हैं और ट्राउज़र यही हैं, लेकिन शॉर्ट ये था कि वो बाहर नहीं आप पहन सकते, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, मतलब बिल्कुल हिप तक आपके वो शर्ट आ रही थी और वो कॉलर में थी, ठीक है। लेकिन इसका ये है, ये लॉन्ग है, आप टाइट्स के साथ पहन सकते हैं, आप जीन्स के साथ पहन सकते हैं, और जो इसका ट्राउज़र भी फिर मैंने ले लिया, इसके साथ भी मैं वेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी अकेले ही शर्ट की प्राइस है 3000, और जो मैंने ट्राउज़र लिया उसकी प्राइस है 2500। और मैंने फिर ऑनलाइन घर आकर चेक किया था कि मैं ब्लैक एंड वाइट वाला भी मंगवा लेती हूँ वो। और ये जी मैं 1-2 दिन के बाद के लिए मतलब बना रही हूँ, मैं इतनी लेजी हो गई थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं जो है ना बनाऊँ, तो फिर मैंने कहा नहीं बनाती हूँ मैं। और ये जी ड्रेसेस थे, ये शॉपिंग थी जो की थी, जो मैंने की थी वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा ना क्लिप, तो उसके बाद मैंने कहा ये बाकी भी दिखा देती हूँ आपको। जूते मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि ये वाले लिए हैं। अच्छा, ये वाले जो 2 सूट है ना, ये मेरी मदर के हैं, ये रेशमी, और ये जो पैकेट्स में ना, ये मेरी फ्रेंड है यूके में, मेरी क्लाइंट भी हैं, फ्रेंड भी हैं, तो उनको ना मैंने स्टिच करवा के मैं भेजती होती हूँ, तो उनके लिए बाय किए। और ये मेरी मामा ने लिए हैं, जो मैंने आपको क्लिप में भी दिखाए थे, मतलब कि जो ग्रिप हो गया या राउ सिल्क और इस किस्म का जो मटेरियल होता है ना, तो ये है, ये मतलब 2 पीस है, और इसके साथ अब ट्राउज़र लेना पड़ेगा और फिर डाई करवा के जो ना स्टिच करवाना है। और फिर और इसकी प्राइस थी जी 9000 2 पीस के, और इतने महंगे हो गए ना यार, ये कुछ 5-6 साल पहले ये 5000 इस तरह 5500 का था ना 2 पीस, तो अब ये 10000 का, मतलब कि डबल प्राइस हो गई है। बट मामा हो गई इस किस्म की जो होती है ना, मतलब अम्मियाँ, तो उनको ये ज़रा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज़रा कढ़ाइयों वाले भी नहीं, इरीटेट करते हैं, और फिर चमकीले भड़कीले भी नहीं पहने जाते, तो हम जैसे तो कहते हैं कि 10000 इन पे लगाना है तो कुछ और ले लें, कुछ समझ भी आएगा 10000 का, लेकिन फिर मदर्स के लिहाज से ठीक है। तो और मतलब थोड़ा जो मिड सीज़न होता है ना उसके लिए बहुत अच्छे, जैसे अक्टूबर हो गया, दिसंबर हो गया,
अक्टूबर नवंबर में या फिर आगे फरवरी मार्च में पहनने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। चलें जी, बटानी में वो दो सूट हो गए। और ये वाला जो है जी क्रॉस स्टिच की नई कलेक्शन में से है और ये मेरी फ्रेंड का है, क्योंकि आजकल जो अब सीज़न आना है ना इसका एंड और नवंबर का स्टार्ट, इसमें विस्कोस, लिनन, कैंब्रिक, इस किस्म का मटेरियल ही यूज़ होना है क्योंकि खद्दर नहीं डायरेक्ट पहनी जानी। तो ये इस किस्म का, मतलब ये इसकी शॉल टाइप है, मतलब के कह लें मरीना टाइप, और वो मिक्स ही है, बहुत लाइट वेट है और अच्छी है, ठीक है। और ये इसकी एक शर्ट है, मतलब कि इस पर कढ़ाई नहीं है, प्रिंट है। तो ये जो है ना मैं स्टिच करने के बाद फिर आप लोगों को दिखा भी दूंगी। उन्होंने अपना भी एक आध इसमें से स्टिच करवाना है, एक आध अपनी मदर के लिए बनाना है। तो मदर्स के लिए ये कलर बहुत अच्छा है, डार्कर, मतलब कि कह लें ग्रे टाइप के। और एक सूट ये हो गया। और क्रॉस स्टिच के जो सूट है ना, इसकी प्राइस 6000 है, 3 पीस है और ये एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, ठीक हो गया। और ये है जी लाला का, और ये है जी विस्कोस है इसका मटेरियल, और ये भी मतलब के डार्कर सा कलर है, ग्रे टाइप का कलर है, और वो थोड़ा सा ब्राउनिश टोन में चला जाता है, ये डार्कर ग्रे टोन में आता है। और ये मतलब विस्कोस टाइप का कपड़ा ही पहना जाता है मिड समर में, तो वही मटेरियल उनको चाहिए था। और इस पे एम्ब्रॉयडरी है और ये 42 समथिंग का है, बहुत रिजनेबल लगा मुझे और बहुत अच्छा मटेरियल है इसका, कपड़ा बहुत अच्छा है विस्कोस का। आपको विस्कोस का लेना चाह रहे हो ना आप लोग, तो ये वाली जो है ना वेबसाइट पे या किसी भी ब्रांड, मतलब जो आपको पता हो जहाँ ये ब्रांड आपको मिल जाएगा, वहाँ ज़रूर चेकआउट करीजिएगा लाला। और काफ़ी अच्छा है, 42 समथिंग इसकी प्राइस है, 3 पीस है, एम्ब्रॉयडर्ड है और मतलब स्टफ वाइज बहुत अच्छा है। लीलन जो होती है ना वो बहुत झिलको मिलको सी होती है, सलवटें बड़ी पड़ती हैं, और ये जो विस्कोस होता है ना इसमें थोड़ा सा जैसे कह लें रेशमी टच होता है, या रेशमी इसमें थोड़ा सा शामिल होता है कि इसमें ज़्यादा सलवटें नहीं पड़ती और ये ज़्यादा मतलब खुला नहीं होता, लूज़ नहीं होता आपकी फ़िटिंग से, ये सही रहता है कपड़ा। मुझे पर्सनली जो ना विस्कोस अच्छी लगती है, बट मैं बहुत कम लेती हूँ इस तरह का मटेरियल, लीलन और मरीना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना खुल जाती हैं पहनने के बाद, मतलब आप पहनो तो अजीब सी हो जाती हैं। तो ये एक सूट था। और ये वाला था, ये खाड़ी से लिया था और ये मसूरी में है, ठीक है। ये मतलब विंटर कलेक्शन में नहीं था, ये मिड समर हो गया या लॉन, मतलब समर की कलेक्शन में से होता है मसूरी का कपड़ा, मतलब लॉन की तरह ही होता है पतला सा, बट ये होता है इसमें थोड़ी सी तारें होती हैं, जैसे गोल्डन तारे, सिल्वर तारे, इस किस्म का थोड़ा सा सेमी फॉर्मल टाइप ना। तो इसमें भी दो कलर थे, एक आई थिंक बीज कलर था उसका मैरून, उसके साथ कंट्रास्ट था उसका दुपट्टा जो मैरून था, बट ये जो था ना इसकी शॉकिंग पिंक कढ़ाई है, बट इसका दुपट्टा सेम बेस कलर का है। अच्छा, बाइक, पता नहीं क्यों इतनी बाइक्स गुजरती हैं जब मैंने वॉइस ओवर करना होता है, इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, ये जो है ना इसकी जो ट्राउज़र का कपड़ा, इसमें भी तारे हैं, तो इसी तरह इसकी शर्ट में है, क्योंकि मसूरी है तो इसमें थोड़ा बहुत टच होता है तारों का, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत लाइट वेट है और दुपट्टा भी मसूरी टाइप का है, लेकिन बिल्कुल नरम है। अभी ये श्रिंक होगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। और इन सब दुपट्टों को जो है ना पाइपिंग होगी, क्योंकि मदर्स जो होती हैं ना सर पे रखती हैं, जिस तरह भी दुपट्टे पे पाइपिंग अच्छी लगती है, ज़रा टिक जाता है दुपट्टा और मतलब थोड़े से इसमें जान आ जाते, इससे भी बहुत पतलू सा दुपट्टा है, तो इसकी जब पाइपिंग हो जाएगी ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बस अब ये वाली शॉपिंग थी और ये सब जो है ना मुझे, और अच्छा इसकी प्राइस पता क्या थी मैं आपको, और इसकी प्राइस थी 5000 आई थिंक, ये डिस्काउंट में नहीं था, सेल पर में से नहीं था, इसकी एक्चुअल प्राइस ही पे की है। मैं बिल्कुल भूल गई हूँ, कोई 2-3 दिन हो गए और मैं बहुत ज़्यादा लेती हो गई थी, मैंने ना ही कोई वीडियो बनाई थी और ना ही कुछ अपलोड किया था। और ये थी सारी शॉपिंग, और ये थी जी सारी शॉपिंग। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको सारे ड्रेसेस कैसे लगे। और ये जब स्टिच हो जाएंगे इंशाल्लाह तब भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।